तो दोस्तों हमें रेस्क्यू कॉल आया है और हम कोटावाटक क्षेत्र पुराने ओवरब्रिज के पास में है ट्रांसपोर्ट एरिया में, और हर्षित जी ने हमें कॉल किया था और इनके यहाँ पे इस एरिया में कोई सांप है, तो देखते हैं दोस्तों कौन सा सांप है। डेंडू है, ये डेंडू है, ले लो शूट कर, ये खड़ा हो रहा है साला। मुझे डेंडू नहीं है, धुंधला किल लग रही मेरे को। कौन सा है? नहीं डेंडू नहीं है, डेंडू नहीं है, डेंडू नहीं है, डेंडू नहीं है, कैसी ने डेंडू ने 12:30 बजे तक दिल्ली लाइक है। चल मैं, तू एक बार 12:30 बजे फोन करना फिर मुझे। बहुत तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इसे कहा जाता है बैंडेड रेसर, हिंदी में इसे धूल नागिन के नाम से जाना जाता है, और ये कोबरा का हुबू शक्ल वाला सांप है और लोग इससे डरते हैं। वैसे ये नॉन वेनमस यानी कि बिना जहर वाला सांप होता है, और इसको मैं आपको पहले इधर आता हूँ और फिर गौर से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, बैंडेड रेसर, इंग्लिश में इसे बैंडेड रेसर कहा जाता है, और काफ़ी फुर्तीला सांप होता है, और इस सांप से कोई खतरा नहीं है हालांकि, पर ये नाक की तरह दिखता है। और बैंडेड रेसर इसलिए कहा जाता है कि इसके ऊपर जब ये छोटा होता है तो कई सारे बैंड्स होते हैं, कई सारे इसके ऊपर धारियाँ होती है, जो जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है वैसे वैसे इसके ऊपर से जो बैंड्स हैं ये हट जाते हैं। आप देख सकते हो, और देखिए बाइट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और बहुत ज़ोर से काटता है, तो इसको हम ऐसे पकड़ लेते हैं क्योंकि ये बाइट बहुत ज़ोर से करता है। तो देखा दोस्तों आपने, बैंडेड रेसर, इसको जल्दी से डब्बे में पैक करते हैं। नॉन वेनमस स्नेक है, विषैला नहीं है, लेकिन सांप कोई सा भी हो सभी काटते हैं। काटने के अलावा इनके पास में है क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों हमें बहुत रेयर केस में जो है हाइट को कैच करना पड़ता है, क्योंकि ये बाइट करते हैं तो हमें भी अपनी सेफ्टी रखनी पड़ती है। जहाँ तक कोशिश हो हम कभी भी हेड को कैच करके सांपों को नहीं पकड़ते। तो दोस्तों इसको जल्दी से जार में पैक करते हैं और फिर वापस जो है प्रकृति में हम मुक्त कर देंगे। एक बार फिर से नाम बताता हूँ गौर से, बैंडेड रेसर हिंदी में धूल नागिन के नाम से फेमस है, और ये कोबरा तरह, कोबरा सांप की तरह जो है दिखाई देता है, तो आप गौर से देख सकते हैं। ये नीचे से हल्का सा पीला होता है, लेकिन ये सांप विषैला बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी जहर नहीं है इस सांप में, लेकिन काटता बहुत ज़ोर से। बनने तो देंगे